रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कावेरी अपनी पांचों बहुओं के साथ कानपुर की रहने वाली थी। पांच पांच बहुएं होने के बाद भी कावेरी दिल से संतुष्ट नहीं थी। वो दुखी थी क्योंकि जैसे हाथों की पांच उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही उसकी पांचों बहुओं के स्वभाव में भी बहुत अंतर था। एक तरफ जहां उसकी तीन बहुएं, बड़ी बहू मंजू, दूसरी बहू मीना, तीसरी बहू नीता, बहुत ही संस्कारी, बड़ों की इज्जत करने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी दो बहुएं, चौथी बहू नैना और पांचवी बहू कायरा, बहुत ही घमंडी थी। एक रोज सुबह के समय उसकी तीनों संस्कारी बहुएं रसोई में काम कर रही होती हैं, तभी उसकी दोनों घमंडी बहुएं नैना और कायरा वहां आती हैं और कहती हैं, जेठानी जी नाश्ता तैयार है। नैना अभी नाश्ता नहीं बना है, बना रहे हैं, और आज आप लोगों को नाश्ते के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज ससुर जी का जन्मदिन है, इसलिए माँ जी ने उनके लिए घर में एक छोटी सी पूजा रखी है। जेठानी जी, ससुर जी का जन्मदिन है तो मैं क्या करूँ, मुझे मेरा नाश्ता चाहिए, और मेरे नाश्ते से पूजा का क्या लेना देना है। जेठानी जी सही कह रही है, मुझे भी मेरा नाश्ता चाहिए। आपको पता है ना जेठानी जी कि मैं अपना सारा काम टाइम टेबल से करती हूँ, अगर मेरा रूटीन खराब हो जाता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे भी, इसलिए हमारा नाश्ता 10 मिनट में चाहिए बस, और आप तो तीन तीन लोग मिलकर दो लोगों का नाश्ता नहीं बना पा रही हैं क्या? नैना, बात वो नहीं है कि हम नाश्ता नहीं बना पा रहे, बल्कि नाश्ते में लेट इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग पूजा के लिए प्रसाद बना रहे हैं। अगर बीच में नाश्ता बनाएंगे तो रसोई झूठी हो जाएगी, और वैसे भी अगर हम लोग नाश्ता बना भी देते तो आप लोग नहीं कर पाती। मतलब मैं समझी नहीं जेठानी जी, आप कहना क्या चाहती हैं, क्यों नहीं कर सकते हम नाश्ता? क्योंकि माँ जी ने मना किया है सभी घर वालों को कुछ भी खाने पीने से, घर में पूजा है इसलिए उन्होंने बोला है कि जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक प्रसाद के सिवा ना ही कुछ बनेगा और ना ही कुछ खाएंगे, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। नीता सही कह रही है। ठीक है, फिर तो प्रसाद ही दे दो खाने के लिए, अगर बन गया है तो। बहुत भूख लगी है जेठानी जी। हाँ जेठानी जी, नैना जेठानी जी सही कह रही है, अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो बेहोश हो जाएंगे हम, और इस पूजा पाठ में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जन्मदिन ससुर जी का है तो पत्नी होने के नाते माँ जी भूखी रहेंगी, हम क्यों रहे भला, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूजा से पहले मैं आप लोगों को प्रसाद नहीं दे सकती हूँ। अपनी पांचों बहुओं की सारी बात रसोई से बाहर खड़ी उनकी सास कावेरी सुन रही होती है, जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है, और वो अंदर आकर कहती है, मंजू बहू, अगर प्रसाद बना रही हो तो उसे लेकर तुम तीनों रसोई से बाहर आ जाओ और पूजा की बाकी तैयारियों को देख लो, इन दोनों को जो खाना होगा वो खुद बनाकर खा लेंगी। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती है ना कि हमें खाना बनाना नहीं आता है, तो भी आप जेठानियों को खाना बनाने से मना कर रही हैं, ये बात तो गलत है ना? सही कह रही हैं जेठानी जी। माँ जी, आपका ये भेदभाव ठीक नहीं है, आप तो हमेशा बस तीन बड़े जेठानियों को ही अपनी बहू मानती है, हमें तो मानती ही नहीं है, हम तो सिर्फ आपके नाम की बहुएं हैं। जितनी तुम दोनों अपनी जुबान चलाती हो उतने ही हाथ पैर भी चला लिया करो, लेकिन तुम्हें तो अपने घमंड के आगे कुछ और दिखता ही नहीं है, ना ही किसी की बात सुननी है, फिर चाहे वो तुम्हारी जेठानी हो या तुम्हारी सास, वो तो तुम्हारी जेठानियों के वो संस्कार नहीं है कि वो किसी का निरादर करे, चाहे छोटे हो या बड़े। कावेरी इतना कहकर अपनी तीनों संस्कारी बहुओं को लेकर रसोई से चली जाती है और पूजा की तैयारियों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों घमंडी बहुएं गुस्से में घर से बाहर चली जाती हैं। कुछ समय बाद पूजा शुरू हो जाती है। आस पड़ोस के सभी लोग पूजा में पांचों बहुओं की जगह सिर्फ तीनों बहुओं को बैठा देखकर कावेरी से बहुत सवाल पूछते हैं, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, जिसके कारण आस पड़ोस के लोग उसके घर को लेकर बातें बनाने लगते हैं। कुछ समय बाद पूजा खत्म होने के बाद सभी वहां से चले जाते हैं, तभी उनकी दोनों बहुएं घर वापस आती हैं, जिन्हें देखकर उनके ससुर राजेश उनसे कहते हैं, अरे बहुओ, ऐसा भी क्या काम था जो तुम दोनों बिना बताए घर से बाहर चली गई और घर की पूजा में भी शामिल नहीं हुई। वो क्या है ना ससुर जी, कि जन्मदिन ना आपका था, पूजा आपके जन्मदिन की थी, तो हम लोग यहाँ रहकर क्या करते, और वैसे भी हमें पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने चले गए थे। ये तुम लोगों का क्या तरीका है, तुम्हें पता है तुम दोनों को यहाँ ना देखकर आस पड़ोस के लोग हमारा मजाक बना रहे थे। तुम दोनों अपनी ही जेठानियों से कुछ सीख लो, तुम दोनों में संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ घमंड ही कूट कूट कर भरा हुआ है।
आपको जो कहना है आप कह सकते हैं ससुर जी, हमें आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही हम आपके कहने से अपने तौर तरीके बदलेंगे। इसे आप घमंड समझे या हम में संस्कार नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या तरीका है बहू अपने ससुर से बात करने का, माफ़ी मांगो अभी इसी वक्त। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो हम माफ़ी किस बात की मांगे। एक काम करिए माँ जी, माफ़ी भी अपनी संस्कारी बहुओं से ही मंगवा दीजिए ससुर जी से। नैना और कायरा इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं और अपनी दोनों बहुओं का ऐसा घमंड देखकर कावेरी को बहुत दुख होता है और वो भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है लेकिन कावेरी की दोनों बहुओं की आदतों में कोई सुधार नहीं आता है। एक रोज राजेश अपनी पांचों बहुओं के लिए साड़ियाँ लेकर आता है और उन्हें बुलाकर कहता है, बहुओं देखो मैं तुम पांचों के लिए साड़ी लेकर आया हूँ, पता नहीं तुम्हें पसंद भी आएंगी या नहीं। आज तक मैंने कभी तुम्हारी सास के लिए भी साड़ी नहीं खरीदी है, आज पहली बार खरीदा है, ना पसंद आए तो भी रख लेना। ससुर जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आज पहली बार आप हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं, भला हमें कैसे पसंद नहीं आएगी। हमारे लिए ये साड़ी नहीं, आपका प्यार से दिया हुआ आशीर्वाद है। बिल्कुल सही कहा जेठानी जी ने ससुर जी। तुम लोगों को साड़ी पसंद आई या नहीं? जी ससुर जी। क्या जेठानी जी, आप लोग भी कितना संस्कारी होने का दिखावा करती हैं। नहीं पसंद तो बोल देना चाहिए था। ससुर जी हमें तो आपकी लाई हुई साड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और जब हम ऐसी साड़ियाँ पहनते ही नहीं तो लेकर क्या करेंगी, इसलिए इसे आप ही रखिए अपने पास। जी ससुर जी ये लीजिए अपनी साड़ी। कायरा और नैना इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं और उनकी बात सुनकर राजेश को बहुत दुख होता है, वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, तभी एक रोज नैना और कायरा अपने सास ससुर के कमरे के आगे से गुजर रहे होते हैं, तभी वो उन्हें बात करते हुए सुनती हैं। कावेरी तुम्हें पता है मेरे दोस्त की बेटी की शादी तय हो गई थी और मैं चाहता था कि मेरी पांचों बहुएं मेरी लाए हुए कपड़े ही पहनकर शादी में चले। आखिर बहू भी तो बेटी के समान ही होती है, उनका ध्यान रखना भी तो हमारा ही फर्ज है। इसके चलते मैं तुम्हारे और अपने लिए कुछ भी नहीं ले पाया, पैसे ही खत्म हो गए थे फिर भी उन्हें पसंद नहीं आया। आप भी अभी तक वही बात लेकर बैठे हैं, जाने दीजिए कोई बात नहीं, भूल जाइए सब। आप अपनी बहुओं की आदत को तो अच्छे से जानते हैं, फिर क्यों अपना दिल छोटा कर रहे हैं। वो बहुएं नहीं बेटियां है मेरी, मैंने कभी भी उन्हें बहू समझा ही नहीं। कावेरी लेकिन शायद वही मुझे अपना पिता नहीं समझती, वरना इस तरह से मेरी इंसल्ट थोड़ी ना करती। अपने ससुर जी की बात सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें अपनी हरकत पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो दोनों कमरे के अंदर जाती हैं और उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हैं। साथ ही अपने ससुर के प्यार से लाए हुए तोहफे को दिल से अपनाकर खुशी खुशी उनसे वापस ले लेती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।